टाइम्स की न्यूज़ देखने के लिए फेसबुक पर लाइक करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। इस समय मौजूद है मुमरा के राजू गांधी हॉकर्स यूनियन में और आपको बता दें कि किस तरह से टेम्पररी बेस पर राजू गांधी हॉकर्स यूनियन को यहाँ मित्तल ग्राउंड में जो है शिफ्ट किया गया था और जिस तरह से बारिश भी कहीं दो दिन जो हुई थी इसको देखते हुए जो है मनपा का काम जो है शुरू किया गया। आपको बता दें राजू गांधी हॉकर्स यूनियन से ही यहाँ पर जो है काम चालू किया गया। ये यहाँ से जो है ड्रेनेज लाइन जो है डाली जाएगी और इसके ठीक बाजू से ही एक नाले का काम जो है शुरू किया जाएगा, ऐसा मनपा के अधिकारी ने जानकारी दी है। जिसकी वजह से यहाँ से जो राजू गांधी हॉकर्स यूनियन की जो मार्केट थी उस मार्केट को यहाँ बाजू में ही शिफ्ट करने की बात की जा रही थी कि यहाँ पर जो है शिफ्ट किया जाए, लेकिन जो राजू गांधी हॉकर्स यूनियन के अध्यक्ष है इरशाद वो मानने को राजी नहीं है। हालांकि इस दौरान जो है उन्होंने कई मनपा के अधिकारियों से बातचीत की लेकिन काम भी रोकने की बात की, लेकिन काम जो है वो शुरू है, काम रुका नहीं है। लेकिन जिस तरह से यहाँ से जो राजू गांधी हॉकर्स की यूनियन है करीब 600 से 700 यहाँ पर जो है बाकड़े लगते हैं इस यूनियन में और अब इनको हटाने के लिए यानी टेम्पररी बेस पर तो इन्हें शिफ्ट किया गया था लेकिन टेम्पररी बेस पर जो है उनको यहाँ पर भी शिफ्ट करने की बात की जा रही थी क्योंकि यहाँ से सीधा जो है ड्रेनेज लाइन और नाले का काम जो है शुरू किया गया है। क्योंकि भारी बारिश जब होती है तो जो निचला इलाका है चांद नगर का इलाका वहाँ पर पानी भरने की वजह से काफी तकलीफों का सामना करना पड़ता है और इस वजह से यहाँ पर ड्रेनेज लाइन और नाले का काम जो है शुरू किया गया है। लेकिन इस दौरान जो है जो राजू गांधी हॉकर्स यूनियन के अध्यक्ष हैं इरशाद वो मानने को राजी नहीं है। उनका कहना है कि या तो हमें गुलाब पार्क मार्केट में जो है शिफ्ट किया जाए या तो फिर कहीं यहाँ पर हमें रहने दिया जाए। लेकिन काम नहीं रुका और वो जो यहाँ पर तमाम हॉकर थे उनसे कहा कि जो है वो अपने बाकड़े खोलें और गुलाब पार्क मार्केट में जाकर जो है वो दुकान लगाए। लेकिन जब हमने उनसे सवाल किया कि किसके कहने पर आप गुलाब पार्क मार्केट में बाकड़े लगाएंगे क्योंकि रोड जो है वो काफी चौड़ा करने के वजह से जो है हटाया गया था, क्लीन किया गया था और अब वहाँ पर गुलाब पार्क मार्केट में दोबारा हॉकर्स को बैठने की जब बात आई तो उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि हम पहले जो है जो विरोध जो यहाँ के गृह निर्माण मंत्री जितेंद्र आवाड़ है उनसे पहले बातचीत करेंगे और उसके बाद विरोधी पक्ष नेता असद सानू पठान है उनसे बातचीत करेंगे या तो फिर हमें यहाँ मित्तल ग्राउंड में ही जहाँ पर मार्केट लगी है वहीं पर रहने दिया जाए या फिर हमें गुलाब पार्क मार्केट में लगाने की इजाज़त दी जाए। बहरहाल जो यहाँ का इलाका है यहाँ पर जो है मनपा के अधिकारी कह रहे थे कि यहाँ पर वो अपनी दुकानें लगा सकते हैं, वो काम करके देंगे उन्हें, लेकिन वो इस पर राजी नहीं है। वो उनका कहना है या तो यहीं पर रहने दें हमें या तो गुलाब पार्क मार्केट में हमें जगह दिया जाए। 600 से 700 हॉकर्स इनके इस यूनियन में शामिल है और इसको लेकर राजू गांधी हॉकर्स यूनियन के जो अध्यक्ष हैं मोहम्मद इरशाद उन्होंने क्या कुछ कहा है। अवार्ड को बजाने गए बोले कल का कल फैसला करके तेरा मैं कुछ करता हूँ, यही बात की। अभी आप बाकड़े खोलने के लिए लोगों से बोल, अभी बाकड़ा खोल के हमने गुलाब पार्क फिटिंग के लिए हम मांग करेंगे। गुलाब पार्क में कब जाएंगे? कल जाएंगे इंशाल्लाह। आप लोगों को यहाँ बाजू में मनपा कह रही है शिफ्ट होने के लिए, तो यहाँ बाजू में किस तरह की तकलीफ है, क्यों नहीं शिफ्ट होना चाह रहे हैं आप लोग? आप खुद देखिए कैमरा घुमा के, वहाँ पे अब भी दलदल है, अब भी आप पैर रखेंगे पैर आपका धंसेगा, आगे बारिश है, वहाँ पे कीचड़ है सब, वहाँ पे कस्टमर कैसे आएंगे हमारे और हम कैसे बैठेंगे? मनपा के अधिकारी है उनका कहना है कि हम बना के देंगे आप तो दोनों बना। अच्छा ये बताओ उजाड़ने के बाद बना के देने का कि बनाने के बाद पहले उनको बताने के बाद उसके बाद उजाड़ने का नया कोई कानून है क्या? पहले घर को उजाड़ दो उसके बाद बोलो कि यहाँ पे आके बैठो आप, उसके बाद बनाएंगे वो कब बनाएंगे? मरने के बाद? लेकिन यहाँ से लोग कोरोना से भी हाल अभी चल रहे हैं, आई लोग ऐसे भी और ख्याल कर रहे हैं। अच्छा यहाँ से तो ड्रेनेज लाइन और नाले का काम अभी शुरू हो गया है तो किसने अभी आप लोगों से कहा कि आप लोग जाकर गुलाब पार्क मार्केट में बैठे? अभी किसी ने बोला नहीं हमारे को, हम डिमांड कर रहे हैं आपके पास पर्यायी जगह नहीं है तो हम जहाँ से आए थे वहीं पे हमको बैठने का परमिशन दो। तो अभी तो आपने कहा कि अपने हॉकर से कि आप लोग बाकड़ा खोले गुलाब तो पार्क चले। देखो भाई हमारे पास वही एक पर्यायी जगह है, हम वो दलदल में जाकर बैठेंगे नहीं, हम जहाँ से आए तो वहीं पे जाके बैठेंगे ना सर। तो आगे और किसी अधिकारी या किसी नेता से अभी कल हम अपने आमदार साहब से बात करेंगे, सानू भाई से बात करेंगे,
सैयद अली भाई साहब से बात करके जो भी हमको निर्णय लेना रहेगा इंशाल्लाह आज रात में निर्णय लेना।